अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज हम लोग आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हुए हैं। लास्ट वीक जुनेद भाई नहीं थे इधर और लास्ट वीक मैं नहीं था इधर, इसलिए हमसे व्लॉग नहीं था बन पाया। बाकी जुनेद भाई आप एक्सप्लेन कर दें, आप भी बोल रहे हैं। और आज हम आपकी खिदमत के अंदर एक अच्छी और न्यू डिश जो आप लोगों ने पहले क्या पता देखी हो या ट्राई की हो, क्योंकि एज अ ग्रुप के अंदर आती है ये इनकी पोस्टिंग और आपने देखी होगी। तो मैंने सोचा कि इसने पहले ट्राई की थी तो मैंने सोचा कि हम दोनों इसके ऊपर ब्लॉग बनाया जाए, काफ़ी अच्छा टेस्ट रहा। यहीं से ट्राई की थी और इसका भी सारा प्रोसीजर हम भाई के साथ मुकम्मल इंटरव्यू लेंगे, आपको बताएंगे कि क्या चीज़ है। लोकेशन भी आपको मैं बता देता हूँ कि ये डी ग्राउंड जो नाश्ते वाली रोड है और गवर्नमेंट नाश्ते वाली गली है और गवर्नमेंट एवी मार्टन की बैक साइड पर जो गली है ना, वहाँ पर इनकी शॉप है फिलअप के नाम से। तो अभी बांध रहा है हमारा पैकेज जो हमने लगवाया, सबसे प्रीमियम लगवाया हुआ, मतलब सबसे जिनके सबसे ज़्यादा जो इनके पास है डायमंड वाला प्रीमियम डायमंड। और भाई से मुकम्मल इंटरव्यू करते हैं कि ये कब से शॉप है और इनसे प्राइस भी पूछते हैं, लोकेशन भी पूछते हैं और एंड पे आप लोगों को टेस्ट भी और रिव्यू भी देते हैं। वीडियो के साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, इस शॉप को यहाँ पर कितनी देर हो गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह 5 माह के करीब अरसा हो चुका है हमें यहाँ पे। तो आपके पास कौन कौन सी वैरायटीज वगैरह मौजूद हैं? हमारे पास सिर्फ डोनर, ये बेसिकली एक तुर्किश डिश है जिसको हमने मॉडिफाई करके एक पाकिस्तानी अंदाज में अपने चाहने वालों को पेश किया है। कितने मतलब किस किस टाइप का, कौन कौन सा फ्लेवर है, क्या इसका? मैं आपको अभी अपना मेन्यू शो करवा देता हूँ। ये काइंडली इसमें सिर्फ हमारे पास 3 वैरायटीज हैं, जिसमें पहले नंबर पे जो आपको नज़र आ रहा है ये 150 इसका रेट है। इसमें सिर्फ चिकन होता है और सॉसी चिकन होता है, और दूसरे नंबर पे है चीज़ डोनर जिसमें चिकन के साथ चीज़ मिक्स करके हम इसको तैयार करते हैं, और तीसरे नंबर पे इसके सुप्रीम डोनर का नाम रखा हुआ है जो सॉसी चिकन फिलिंग विद चीज़ ऑलिव्स और स्वीट कॉर्न्स, जो कि सर्दियों में मेरा कह लें कि फेवरेट, और इसमें सर्दी भी कम महसूस होती है ऑलिव्स की वजह से। तो सिर्फ आकर ही खा सकते हैं या ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे भी हम बाय कर सकते हैं इसको? जी बिल्कुल, फूड पांडा और चीते ये 2 हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिस पे आप हमें रीच कर सकते हैं। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप बता दें। जी एग्जैक्ट लोकेशन है इसकी, ये नाश्ते वाली गली मशहूर है इंशाल्लाह, जो आने वाले वक्त में फिलअप वाली गली इंशाल्लाह मशहूर होने वाली है। तो उसके साथ साथ मैं इंशाल्लाह ताला ये बताना चाहूँगा कि जल्द ही हम मेन्यू में मजीद आइटम्स इंक्रीज भी कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला जल्द ही। तो ये आपने बड़ा एक ज़बरदस्त कोड लिखा हुआ, इट मे टेक 10 to 12 मिनट्स, थैंक यू। जी बिल्कुल, हमारे ये स्पेशलिटी है कि हमने फ्रेश ही तैयार करना है, इस वजह से कस्टमर को पहले बता दिया जाता है कि 10 से 12 मिनट तकरीबन तैयार करने में लगते हैं। जी ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा ये मैंने थोड़ी सी 2 बाइट्स ली हैं, तो ये सीन इसका कुछ इस तरह है कि ये ना टोस्ट किया हुआ है और जैसे एक बन होता है ना पूरा गुलाई के अंदर, इसको हाफ किया हुआ है, हाफ इसके पास और हाफ के पास, इसकी शेप ही ऐसे की होती है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। और ये हार्ड किया हुआ है, हार्ड जो होता है ना मतलब टोस्ट किया हुआ है, इसके ऊपर ये इन्होंने चीज़ लगाई है, ये आप देख सकते हैं चीज़ ऊपर ऑलिव और केचप। असल मज़ा जो इसके अंदर है ना और जो इसके खाने का है वो मज़ा है, वो पैसे पूरे कराता है, वो चीज़ है पैसे पूरे करने की। और ये बहुत ही कम पैसों के अंदर ये इतनी लाजवाब और मज़ेदार जो मंदा मिल रही है, अब आर्मा खा खा के बोर हो गया हुआ है ना, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये, इसको ट्राई मस्ट करें, मस्ट ट्राई करें। मेरा रेट है 10 out of 9.5 क्योंकि ये यूनिक चीज़ ही है, कोई और नहीं आया हमारा ना, यूनिक चीज़ ही है। और
भाई आ गए हमारे पास, तो आपने वीडियो बनती भी देखी, वीडियो देखी उसके अंदर खाना भी देखा, खाते भी देख लिया, उसका टेस्ट भी हमने आपको बता दिया, रिव्यू भी कर लिया, उसकी प्राइस भी बता दी, उसकी लोकेशन भी बता दी, और कोई बताना कुछ? इनके रूम का एक्सेस नहीं मिल सका जिसकी वजह से आपको मेकिंग इनकी सारी नहीं दिखा सके, जिसकी वजह से आप लोगों से माजरा चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं, हर किसी का अपना अंदाज़ होता है, अगर वो चाहे तो हम तो पहले पूछ के उनसे करते हैं कि अगर आप लोग हमें किचन का एक्सेस देंगे तो हम आपकी वीडियो एक्सेस के अंदर बना लेते हैं मेन्यू, लेकिन कोई नहीं करता तो उसका कोई मतलब, क्योंकि लास्ट हमारे साथ मटका पिज़्ज़ा वाले थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, उन्होंने अपने किचन की भी एक्सेस दी, उसका भी बटन इधर या इधर दे देना, ठीक है? तो अभी तक के लिए इतना ही, मुझे भी इजाज़त दें और जिनेश साहब को इजाज़त दे दें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, और इंस्टाग्राम का ये नीचे आ रही पट्टी, इसको फॉलो कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कोई पैगाम देना चाहें हमारे देखने वालों के लिए आप? जी मैं बिल्कुल, सबसे पहले जो देखने वाले हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि मेहनती लोगों की कदर करें। जे एच सीकर्स बहुत ही अच्छा, मतलब ये मेहनती बच्चे हैं माशाल्लाह, जुनेद और हमज़ा, तो मैं कहूँगा कि इनका चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों को ये रिकमेंड करें। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह।